बड़ी खबर है खुफिया एजेंसीज के इनपुट को लेकर। खुफिया एजेंसीज ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कर दिया है अलर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर इनपुट दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैयारी रखने की सलाह भी दी गई है। ये बड़ा इनपुट है क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन उग्र और हिंसक होता जा रहा है और उसी बीच में खुफिया एजेंसीज की तरफ से राज्यों को और साथ ही यूनियन टेरिटरीज को अलर्ट जारी किया गया। सेना में भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर देश भर में छिड़े महासंग्राम ने केंद्र सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आक्रोशित छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उपद्रव की चौतरफा हो रही घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट जारी कर अफवाहों से सावधान रहने और सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया है। साथ ही केंद्र ने अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को भी तैयार रहने को कहा है। इस बीच बिहार में हो रहे छात्र आंदोलन को आरजेडी लेफ्ट और एनडीए घटक हम पार्टी ने समर्थन दिया है, जबकि छात्र संगठन आयशा, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने आज बिहार बंद का ऐलान करते हुए अग्निपथ स्कीम को 72 घंटे के अंदर वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। बिहार बंद और हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लखीसराय, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर समेत 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर विरोध करने का ऐलान किया। साथ ही इस प्रदर्शन में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के संगठनों से 20 जून को जंतर मंतर पहुंचने को कहा गया है। और अग्निपथ पर हिंसा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बैठक करने वाले हैं और राजनाथ सिंह की इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर छात्रों को समझाने पर चर्चा की जाएगी। कैसे छात्रों तक अग्निपथ योजना उनके लिए लाभदायक है, इसकी जानकारी उनके साथ साझा की जाए। मुमकिन है आज होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इसे लेकर की जाएगी चर्चा। सेना में भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर देश भर में कोहराम मचा है। बिहार से लेकर झारखंड, हरियाणा से लेकर बंगाल तक युवाओं ने गदर मचाया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों में आग लगा दी गई तो कई रेलवे स्टेशनों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। सड़क से लेकर पटरी तक सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने ऐसा उत्पात मचाया कि केंद्र सरकार भी हैरान रह गई। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लेकर छिड़े संग्राम और छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे, जबकि ये मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। माना जा रहा है कि शुक्रवार को हुए देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलनकारी छात्रों को कैसे समझाया जाए, इस विषय पर बात हो सकती है। साथ ही अग्निपथ में भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सेना में भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ को केंद्र सरकार जहां युवाओं के लिए देश की सेवा और रक्षा व्यवस्था से जुड़ने का सुनहरा अवसर बता रही है, वहीं छात्रों को इस बात की चिंता सता रही है कि सेना में मात्र 4 साल की नौकरी करने के बाद इनके भविष्य का क्या होगा, बिना ग्रेजुएटी और बिना पेंशन ये क्या करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।